हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति और मैं बनाती हूँ इस चैनल पर वीडियो जो आप सब से जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो रेड कलर की घंटी है ना उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि मेरी सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे, तो हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का जो DIY है ना बहुत ही इजी है और बहुत ही खूबसूरत है, तो इसे आप अपने ना किसी भी एथनिक वेयर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आज मैंने क्या बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का मैंने एक बैग बना के रेडी किया, आप देख सकते हो बहुत प्यारी फिनिशिंग है। यहाँ पर मैंने लेस की डिटेलिंग दी है, पैच वर्क किया हुआ है, तो इस टाइप से बहुत प्यारी फिनिशिंग के साथ बैग बन के रेडी हुआ है। बहुत सुंदर लग रहा है, काफी कलरफुल है, तो आप किसी भी अपने किसी भी ड्रेस के साथ टीम अप कर सकते हो। बैक साइड में मैंने यहाँ पर येलो कलर से बेस दिया है इसका, साइड्स में आप देख सकते हो फिनिशिंग बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा और बहुत ही जल्दी बनने वाला बैग है ये। और इतना सुंदर लगता है ना जब आप कैरी करोगे ना, बहुत ही प्रिटी, बहुत ही सुंदर ये लगेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ना। तो देखो कैसे बनाया हमने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल का कटआउट रख लिया है। तो देखिए इसका मेजरमेंट है, इसकी लंबाई है 5 इंच और इसकी चौड़ाई है 7 इंच, तो उसी हिसाब से मैंने एक ट्रायंगल कटआउट कर लिया था। अब हमने अलग अलग फैब्रिक में इस कटआउट से कट कर लेने हैं, बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। देखिए फैब्रिक के ऊपर रखें और निशान लगाकर कट कर लें। अब हमने इन सारे कटआउट्स को ना अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब मैंने ले लिया यहाँ पर इंटरफ्यूजिंग। इंटरफ्यूजिंग एक टाइप का ना एक कपड़ा जैसा होता है, आपको इसके ऊपर ना ये पीसेस को रखना है और प्रेस की हेल्प से इसे चिपका देना है। बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी जाता है हमारा पैचवर्क। तो देखिए इस तरह से मैं अरेंज कर लूँगी अलग अलग कलर के फैब्रिक को और इस तरह से बिठा लेने हैं। देखिए इस तरह से, तो इस तरह से मैं सभी को बिठा लूँगी पूरे ही आपके पीस में। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ और ऊपर से हम प्रेस की हेल्प से इसे चिपकाते जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सुंदर सी फिनिशिंग आ जाती है और उसके बाद हम इसमें थोड़ी और डिटेलिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से बनाने वाली हूँ आज मैं बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइनर सा बैग। आशा करूँगी ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से सभी पैच वर्क को ना अरेंज कर लिया है और उसको अच्छे से प्रेस की हेल्प से चिपका लिया है। अब जो इनके बीच में गैप है ना, वहाँ पर हम ना लेस से ना हाइड करेंगे, जिससे कि बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन भी आएगा। देखिए इस तरह से, तो जहाँ जहाँ पर जोड़ आ रहे हैं ना, वहाँ वहाँ पर हम इस टाइप से लेस को लगा लेंगे। तो पहले मैं ना ऐसे स्लिपिंग सीधी सीधी लेस को लगा लूँगी और जितने भी डायगोनल में, फिर मैं डायगोनल में लगा लूँगी। तो देखिए इसी तरीके से अरेंज करते हुए हमने पूरे में ना लेस को अटैच करते जाना है, कुछ इस तरह से जैसे आप देख रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से हमारा पीस हो गया है रेडी। पूरी में मैंने डिटेलिंग कर दी है, कहीं पर भी अनफिनिश्ड नहीं है। तो अब हम बैक साइड करेंगे और जितना भी ना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल लेंगे। बहुत प्यारी फिनिशिंग के साथ बनता है और बहुत ही सुंदर है ये बैग। तो देखिए इसके लिए ना आप अलग अलग साइज़ में बना सकते हो, तो मैं इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। देखिए इसकी चौड़ाई है 16 इंच और इसकी लंबाई है 14.5 इंच। तो देखिए इस तरह से मैंने एक पीस ले लिया। अब सेम इसी टाइप से ना एक और फैब्रिक ले लें, आप चाहें तो इसमें भी पैच वर्क कर सकते हैं, बट ये मैंने प्लेन ही रखा है। तो इसको अब हमने क्या करना है, इसको स्टिफनेस देने के लिए रबर शीट का इस्तेमाल करूँगी मैं। तो देखिए इस तरह से रबर शीट सेम उसी नाप की ले लेनी है और चारों तरफ से सिलाई लगा करके इसे वन पीस बना के रेडी कर लेना है। फ्रंट का भी और बैक का भी दोनों ही पीस हमने रेडी कर लेने हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे पीसेस हो गए हैं रेडी। प्यारी सी फिनिशिंग आ जाती है, स्टिफनेस हो जाती है फैब्रिक में खासकर। तो देखिए इस तरह से ये हो गया। अब हम दो पीसेस ले लेंगे। तो देखिए कंट्रास्ट फैब्रिक में मैंने लिया है, इसकी लंबाई है 26 इंच और इसकी चौड़ाई है 4 इंच, 4x26 का। अब इसके पीछे मैंने इंटरफ्यूजिंग लगाई है, बताइए इसलिए लगाई है क्योंकि ये सिल्क का फैब्रिक है, बहुत ही फाइन था तो इसमें फिनिशिंग नहीं आती, तो इसको स्टिफनेस देने के लिए यहाँ पर मैंने इंटरफ्यूजिंग का इस्तेमाल किया है। तो अब हम इनकी स्ट्रिप्स बना के रेडी कर लेंगे। बहुत आसान तरीके से बन जाती है, तो मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आपको दिखाना चाह रही हूँ ताकि आपको ईजीली समझ में भी आए और थोड़ा लंबा वीडियो ना हो। तो देखिए इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स बना के रेडी कर ली है। अब ले लेंगे हम अपना मेन पीस। अब मेन पीस के नीचे की तरफ ना हमें ऐसे कर्व से निशान दे देने, जिससे हमारे बैग की जो फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छी आई, बहुत ही सुंदर हमारा बैग बन के रेडी हो। तो सेम इसी तरीके से बैक वाले पोर्शन
क्वेश्चन का जो येलो वाला पार्ट है ना, उसमें भी हम नीचे की तरफ से ऐसे गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमने गोलाई दे दी है, अब हमने इनका सेंटर पॉइंट ले लेना है दोनों ही पीस का। देखिए इस तरह से, तो मैं सेंटर पॉइंट ले लूँगी, बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए पूरी फिनिशिंग के साथ। अब हमने क्या करना है, एक अर्जिस से और तीनों तरफ आपको इसका मेजरमेंट ले लेना है कि कितना इसकी लंबाई आ रही है। तो देखिए इसकी लंबाई आ रही थी 43 यानी कि 43.5 इंच, ठीक है। तो उसमें आप एक इंच एक्स्ट्रा लेते हुए एक स्ट्रिप्स रेडी कर ले, जिसमें मैंने रबर शीट भी लगाई है, चारों तरफ से सिलाई लगाकर इस पीस को रेडी कर लिया है। तो अब इसको ना हमने अटैच करना है। तो देखिए इसको अटैच करने के लिए इसकी लंबाई तो मैंने आपको बता दी 44.5 इंच एंड चौड़ाई इसकी 4 इंच है। तो इस तरह से हमारा पीस हो गया है रेडी। अब हमने इस स्ट्रिप्स को ना इसमें अटैच करना है। तो इसमें अटैच करने से पहले हम ना इस स्ट्रिप्स के अपर साइड में, जहाँ ऊपर की तरफ जहाँ हमने हैंडल अटैच करने ना, वहाँ पर सेंटर ले लेना है। सेंटर से 3 इंच एक साइड और 3 इंच दूसरी तरफ लेना है, और वहाँ पर हमने ये जो स्ट्रिप्स रेडी करी थी ना, उनको अटैच कर लेना है। बहुत सिंपल तरीके से है, और सेम इसी तरीके से बैक साइड में भी कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे स्ट्रिप्स हो गई है रेडी। तो कुछ इस तरह से हमारा लुक आ गया है बैक का। अब हमने क्या करना है, नीचे की तरफ हमने सेंटर का निशान लगाया था ना, और इस स्ट्रिप्स में भी हम सेंटर का निशान पहले लगा लेते हैं, देखिए, ताकि कोई भी काम ना पूरी फिनिशिंग के साथ हो। तो स्ट्रिप्स का भी सेंटर लगा लिया। अब इस सेंटर को लेते हुए आपको ना जो मेन पीस है उसका भी सेंटर लेना है इस तरह से। तो दोनों को आपस में रखते हुए इस तरह से राइट टू राइट आमने सामने रखना है और पिनअप कर लेना है। सबसे खास बात, किसी भी काम को सफाई से करने का, आप पिनअप कर रहे हैं बहुत आसान तरीके से कोई भी काम हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैं पिनअप करके इसको अरेंज करूँगी और उसके बाद इसे सिलाई लगाकर इसको फिनिशिंग दे दूंगी। तो देखिए इस तरह से पहले पिन से हम इसको ऐसे कर लेंगे, देखिए इस तरह से ये सिलाई लगा लेंगे, और सेम इसी तरीके से बैक वाले पोर्शन का भी सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए इस तरह से हम बना लेंगे। तो बैक वाली शेप हमारी बन के आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी बैग वाली शेप आपकी आ गई है। देखिए अब इसे राइट की तरफ हम पलट लेंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारी फिनिशिंग के साथ और बहुत ही कलरफुल सा है ना, तो बहुत ही वाइब्रेंट सा ये लग रहा है। तो इस तरह से हमारे बैग की शेप आ गई है, बहुत ही प्यारा लगने लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम ले लेंगे, यहाँ पर मैंने ले ली है चेन। तो देखिए इसकी लंबाई है मैंने 14 इंच ली है। अब हमने एक फैब्रिक ले लेना है जिसके दोनों तरफ हमने फिनिश करने हैं, जो चेन है ना उसकी दोनों तरफ आपको फिनिश करने हैं। तो कुछ इस तरह से पहले हम फैब्रिक को ना उसी के नाम का सिलेंगे, और इसके जो हमारे ज़िप है ना उसको इसके अंदर डालेंगे इस टाइप से, और साइड में सिलाई लगा करके इसको पलट लेंगे, जिससे कि प्यारी सी फिनिशिंग आएगी। दोनों ही तरफ हमें ये कर लेना है, और अंदर बाकी का बचा हुआ फैब्रिक अंदर की तरफ को इंसर्ट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से पहले मैं इसे खोल लेती हूँ, तो इस टाइप से फिनिशिंग आ गई, और साइड्स में चारों तरफ आप सिलाई लगा करके इसे लॉक कर लें। तो कुछ इस तरह से हमारा ये जो पीस है ना वो बन के रेडी हो गया है। आपको सेम दूसरी तरफ भी यही कर लेना है। तो इस तरह से हमारी जिप हो गई है रेडी। तो अब मैंने लिए हैं दो पीसेस। तो देखिए इसकी लंबाई है 14 इंच और इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच। तो अब मैंने इसी टाइप की स्ट्रिप्स ली है, और ये मैंने मेन फैब्रिक से ली है जिसका मैंने इस्तेमाल किया है। अब आपको ना इसके लिए मैंने लाइनिंग भी ले ली है साथ में। आपको तीन तरफ सिलाई लगा करके इसको फिनिश करना है कुछ इस तरह से। आप इसको बाहर की तरफ को पलट लेंगे और अच्छे से प्रेस की हेल्प से बिठा लीजिए। तो सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पीस को भी हमने कर लेना है, लाइनिंग के साथ सिलना है और बाद में दूसरा राइट साइड को पलट लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से दोनों पीस हमारे हो गए हैं रेडी। अब हमने जिप को बीच में लगानी है और इन दोनों पीसेस को ना जोड़ लेना है जिप में। तो जोड़ना कैसा है, एक साइड से 1 इंच छोड़ दें और दूसरी तरफ को जितना छूट रहा है आप छूटने दें, बस एक तरफ 1 इंच छोड़ दें। तो कुछ इस तरह से आपको ऐसे अटैच कर देना है इस पीस को। बहुत प्यारी फिनिशिंग आती है यार, देखिए बहुत ही इजी और बहुत आसान तरीके से हमारी जिप में ना ये पोर्शन अटैच हो जाते हैं। तो दोनों ही पोर्शन को हम आसानी से इसमें स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए
यहाँ पर इस तरह से हमारे पीस हो गए हैं रेडी। तो आप देख सकते हो हमारा जिप वाला पोर्शन बिल्कुल तैयार है। इस तरह से खोलेंगे और यहाँ से बंद कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हो गया रेडी। अब दो पीस ले लिए हैं, सेम वही मेजरमेंट है जितने मेजरमेंट का हमने बैग तैयार किया है, 16x14.5 inches का। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है पॉकेट के लिए। तो पॉकेट में मैंने एक बड़ा सा पीस लिया था, उसको फोल्ड कर लिया है। तो इसके ना ऐसे पहले लंबाई में सिलाई लगाएंगे और फिर जब स्लिपिंग में आप सिलाई लगाओगे ना, तो थोड़ा सा 3 से 4 inch का छोड़ करके आपको हटा लेनी है और फिर उसके बाद सिलाई लगाना शुरू करना है, जिससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा हमारे पास गैप रहेगा जहाँ से हम इस फैब्रिक को पलट सकें। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे को सिल लिया है और थोड़ा सा 3 inch के आसपास मैंने छोड़ दिया था वहाँ पर। तो वहाँ से हम इस फैब्रिक को पलट लेंगे कुछ इस तरह से और जो ओपन वाला पार्ट था ना वहाँ पर सिलाई लगा करके उसे लॉक कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो देखिए ये हो गया हमारा रेडी। अब इस पीस को ना हमने सेंटर को ऐसे करके फोल्ड कर लेना है और अब जो लाइनिंग वाला पोर्शन लिया था ना हमने, तो उस पे ना हमने 3 inch का मार्जिन रखते हुए, देखिए ऊपर की तरफ से ना आप 3 inch का मार्जिन रखे, पहले सेंटर ले लेना है और उसके बाद ऊपर की तरफ से 3 inch का मार्जिन रखते हुए इस पॉकेट को उसमें अटैच कर देना है कुछ इस तरह से, देखिए राइट साइड की तरफ हम। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमने ना इसमें 2.5x44.5 inches की स्ट्रिप्स को अटैच करना है जैसे हमने मेन फैब्रिक में अटैच किया था। बट इसमें क्या ध्यान देना है आपको ना, नीचे की तरफ आपको 4 से 5 inch पे नहीं सिलाई लगानी है और उसके बाद आपको कंटिन्यूस इसको ना स्ट्रिप्स को अटैच करते जाना है, यानी कि 4 से 5 inch आपको गैप छोड़ देना है। ये हम बाद में दिखाएंगे आपको कि बाद में क्या होगा कि हमको ना इस फैब्रिक को पलटना होगा तो हम यहीं से इसको पलटेंगे। तो देखिए इस तरह से ये अटैच हो गया, आप देख सकते हो थोड़ा सा गैप मैंने छोड़ दिया है। अब ऊपर वाला पोर्शन यानी कि दूसरा पार्ट है ना, उसमें सेम पूरे में सिलाई लगा करके उसको भी पूरे को अटैच कर लेना है, जो कि मैं कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मैंने अटैच करके रेडी कर दिया है, बहुत ही वेरी सी इसकी फिनिशिंग आ गई है। तो देखिए ये हो गया हमारा थैला बिल्कुल रेडी। अब हम इसे खोल लेंगे आगे की तरफ और राइट साइड बाहर की तरफ कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ले लिया है मेन फैब्रिक जिसमें हमने जिप अटैच करी थी, उसका सेंटर ले लेंगे और जो हमारा मेन बैग है उसका भी सेंटर ले लेंगे। अब इनको ना आपस में अटैच करना है कुछ इस तरह से। देखिए सबसे पहले मैं सेंटर टू सेंटर मिलाऊंगी और पिनअप कर लूँगी और कुछ इस तरह से इसे अटैच कर लेना है। तो पहले मैं ना एक तरफ सिलूंगी फिर दूसरी तरफ पूरे में अटैच कर लूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं पहले पिनअप कर लेती हूँ और पूरे ना दोनों पीस को यानी कि जिप वाले पोर्शन को आपके बैग में अटैच करना है इस तरह से। तो देखिए इसे मैं अटैच करके रेडी कर लेती हूँ कुछ इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पीस हो गया है अटैच, बहुत प्यारी फिनिशिंग आई है। अब इसे ऐसे खोल लेते हैं, देखिए इस तरह से। तो ये जिप वाला पोर्शन भी अटैच हो गया है यहाँ पर कुछ इस तरह से ये लग रहा है। तो देखिए ये पोर्शन हमारा बनके रेडी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ले लेना है अपना मेन पीस जो हमारा लाइनिंग वाला है, उसको उल्टा कर लेना है यानी रॉन्ग साइड बाहर की तरफ करना है, राइट साइड अंदर की तरफ करना है। अब हमने इसको थैले जैसे फैला लेना है अपने मेन पीस में कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो इस तरह से। जिप वाले पोर्शन को अंदर की तरफ करना है और अब हमने ना चारों तरफ से इसे सिल करके रेडी कर लेना है। तो देखिए पूरी तरफ से मैंने सिल करके रेडी कर लिया है। अब इसके बैक साइड में हमने 4 से 5 inch छोड़ा था ना, जहाँ से हमने बैक को बाहर की तरफ निकालना है। तो देखिए इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ। तो ये हमने इसीलिए छोड़ा था ताकि हम पूरे पीस को बाहर निकाल सकें। तो देखिए यहाँ पर जहाँ से ओपन छूटा था वहाँ पर हम ना सिलाई लगा कर इसे लॉक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं सिलाई लगा लेती हूँ, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आ जाती है। तो ये पीस हो गया है हमारा सिलाई लगा के रेडी। तो देखिए यहाँ पर ये पीस बन गया है रेडी। अब हमने क्या करना है ना, इस पीस को जो ये बैक पोर्शन है इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करना है, मेन जो बैग है उसके। तो देखिए इस तरह से अंदर अरेंज किया मैंने अच्छे से। अब हमने क्या करना है, जो जहाँ पर हमने ना ये वाला पोर्शन है ना हैंडल के सामने वाला, वहाँ पर हमने पूरे में राउंड में सिलाई लगा लेनी है, जिससे ना प्रॉपर फिनिशिंग आ जाएगी हमारे बैग में। तो देखिए यहाँ पर मैंने राउंड में सिलाई लगा के रेडी कर लेती हूँ इसे। तो कुछ इस तरह से हमारा बैग ना लगभग रेडी है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग के साथ हमारा बैग बनके तैयार हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। तो अब मैं आपको फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत प्यारी फिनिशिंग के साथ ये बैग बनके रेडी हुआ है। आप हैंडल्स देख सकते हो उस तरह से। ऊपर की तरफ यहाँ पर मैंने जिप दी है, आप देख सकते हो यहाँ पर जिप से ओपन करने पर इस टाइप से आप अंदर की तरफ पॉकेट भी आपको मिलेगी। तो आप अपना बहुत सारा सामान इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है ये और बहुत प्यारी फिनिशिंग के साथ बैग बनके रेडी हुआ है। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। दोनों ही तरफ इसका लुक बहुत ही सुंदर आया है।